अलैकुम क्लास, मैं हूँ मिस मैविशी द स्मार्ट स्कूल सर सैद अहमद खान कैंपस 2 से। मैं हूँ आप लोगों की सिंधी की टीचर। प्यारे बच्चों, आज लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सबक 11, आज हम पढ़ेंगे सबक 12। सबक 12 का मतलब होता है चैप्टर नंबर 12। आज पढ़ेंगे हम डाल। डाल के ऊपर आप लोग सब देख सकते हो कि तीन नुक्ते हैं। डाल, डाल से जो स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं जुमले, वो आज हम पढ़ेंगे। अब पहला जुमला हमारे पास लिखा हुआ है कि हे जरे ही हमजा पेशो उ ही उ डालवा दो लाम पेशो लु डोल अलिफ मंद आ हाये हे आ हे ही उ डोल आ हे। डोल बोलते हैं बाल्टी को। बाल्टी में जैसे वॉशरूम में आप लोगों के या बाहर शहर में कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, बाल्टी में जिस तरह पानी होता है, ये बाल्टी। इस चीज को पिक्चर को देख के आप लोग लिखोगे ही डोल आ हे, ये बाल्टी है। अब आप लोग देखोगे दूसरा जुमला। दूसरे जुमले में आप लोग लिखोगे हे जरे ही हमजा जबर अ ही अ डेरी आ हे। अब डे जे डे डाल रे जे डे डे री रे ये दरे री। ठीक है, आप लोग इसमें देखोगे डाल के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। अब यहाँ पे पेश लिखा हुआ था तो दूसरे जुमले में जहाँ पे लिखा हुआ है जबर हियर डेडरी आ है। आप लोगों को सबको बताती चलूं कि जब हमारे पास ये का अल्फाज हम कट कर देंगे तो फिर हमारे पास बन जाएगा डेडर। डेडर को उर्दू में बोलते हैं मेंढक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेडरी तो इसको पढ़ेंगे उर्दू में मेंढकी। एक होता है मेंढक, एक होता है मेंढकी। तो मेंढक को जो हम सिंधी में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेडर, और उर्दू में पढ़ते हैं मेंढक। और सिंधी में अगर हमने पढ़ा डेडरी तो उर्दू में हो जाएगा मेंढकी। अब आप लोग पिक्चर में देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सारे जितने भी जुमले हैं वो आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हे जेरे ही हमजा पेशो उ ही उ डाल अलिफ डा रे पेशो डु हे वा हो डाणू। डाणू बोलते हैं अनार को। अलिफ मंदा हाये हे आ हे ही डाणू आ हे। अब ही क्या था, ये अनार है। आप लोग देख सकते हो डाड़ू, डाड़ू को हम सिंधी में डाड़ू पढ़ते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं अनार। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जरे ही हमजा जबर अ ही अ डाल अलिफ डा काफ जबर कड़े जरे डे डाकड़े। अब देखिए इसमें जबर है और नीचे रे की नीचे जेर लिखा हुआ है। ऊपर जबर होती है, नीचे जेर। तो इसको पढ़ने का तरीका होगा ये डाकण आहे, डाकण आहे। अली मंदा ये है आहे, ये सीढ़ी है। अब सीढ़ी आपने देखा है यहाँ पे पिक्चर में कि इसको उर्दू में पढ़ेंगे सीढ़ी और हम सिंधी में पढ़ते हैं डाकण। ये सीढ़ी है, ये डाकण आ है। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, घर पे बैठ के आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग इस जुमले को पूरा कॉपी में लिखेंगे। इसी जिस तरह बुक में लिखा हुआ है अच्छी सी राइटिंग में इस जुमले को आप पूरा कंप्लीट लिखोगे। उसके बाद आप लोग पिक्चर बनाओगे। जब पिक्चर आप लोग बना दोगे और अच्छी सी राइटिंग में लिखोगे काम कॉपी में, तो आप लोगों को खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आप लोगों को एक दफा उर्दू में भी पढ़ के पूरा सुनाती हूँ। ये बाल्टी है, ये मेंढकी है, ये अनार है, ये सीढ़ी है। अब उर्दू में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एक दफा दोबारा मैं सिंधी में पढ़ के भी सुना रही हूँ। ही डोल आहे, ही डेडरी आहे, ही डाणू आहे, ही डाकण आहे। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा मश्क। मश्क मतलब ये लिखोगे पढ़ो ऐ लिखो। पढ़ो का मतलब होता है पढ़ना।
लिखना। अब आपकी कॉपी में जब आप लोग ये चारों जुमले लिखोगे कॉपी में, तो उसके बाद जब पिक्चर भी बनाओगे, पिक्चर बना के और आप नेक्स्ट पेज पे या अगर उसी पेज पे जगह हो तो नीचे आप लोग उसी पे लिखेंगे कि पढ़ो और लिखो। इसको आप लोगों को याद करना होगा और पढ़ना और लिखना भी होगा, ठीक है। मेरे साथ वीडियो में जिस तरह मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप साथ साथ मेरे पढ़ते जाइएगा और घर पे सब बच्चे अच्छे अच्छी राइटिंग में काम एक कॉपी में भी लिखिएगा। अब प्यारे बच्चों में पढ़ के सुना रही हूँ। लिखा हुआ है डाल जबर ड रे पे शुरू डर। मैं आप लोगों को हिजे करके भी बताती हूँ कि ताकि आप लोगों को तलफ्फुज पढ़ना भी हिंदी में आ जाए। डाल जबर डाल अलिफ डा रे पे शुरू डार। डाल वा डो रे वा रो डोरो। डाल वा डो रे जरे दे रे डोरे। डाल वा डो रे जरे री डोरी। डाल पे शुरू काफ अलिफ का रे पे शुरू डुकारु। दंद साफ कर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको किस तरीके से फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। डर डार डोरो डोरे डोरी डुकार। दंद साफ कर। दंद साफ कर मतलब कि दांत साफ करो, ठीक है, दांत साफ करो। अब आपको डे से जितने भी अल्फाज आते हैं, जैसे डे के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, डाल से जितने भी अल्फाज आते हैं वो इसी तरह पढ़े जाते हैं। जैसे इन चारों जुमलों में आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्ड डाल से स्टार्ट होते हैं और इनका भी सिर्फ डाल से अल्फाज शुरू करते हैं। किस तरीके से पढ़ा जाता है जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है, वो भी आप डाल से कैसे पढ़ा जाता है वो आप लोग पढ़ते जाएंगे। आप प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करोगे, कॉपी के पेज पे इतनी अच्छी सी राइटिंग में ये पूरा काम कंप्लीट करके कॉपी में लिखिएगा। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करके आप लोगों सबको सुना रही हूँ। आई होप आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। ये डोल आहे, ये डेडरी आहे, ये डाढ़ू आहे, ये डाकण आहे, डर डार डोरो डोरे डोरी डुकार, दंद साफ कर। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपनी कॉपी में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने और इसको अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिस महविश को इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।